बलिया रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के रामपुर गांव के धान के खेत में 20 वर्षीय युवक नागेंद्र राम पुत्र झगरू राम निवासी महावीर अखाड़ा का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृत युवक के नाक कान व मुंह से खून आ रहा था, जिससे ग्रामीण व उसके परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। शव मिलने की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना के बाद प्रभारी निरीक्षक नागेश उपाध्याय, चौकी इंचार्ज राज कपूर सिंह तथा प्रमोद सिंह सहित भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई। पुलिस ने शव का पंचनामा कर अंतिम परीक्षण के लिए सदर अस्पताल भेजकर आगे की कार्यवाही में जुट गई। युवक के बड़े भाई धर्मेंद्र ने थाने में तहरीर देकर हत्या की आशंका जताई। गुरुवार की रात उसने किसी से मोबाइल से बात की, उसके बाद खाना खाया और रात 10 बजे घर के पास डेरे पर सोने चला गया और वहीं से लापता हो गया। शोरगुल सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं घर वाले भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने मृतक युवक की शिनाख्त की। उधर पुलिस ने चार व्यक्तियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। हम धर्मेंद्र है, धर्मेंद्र कुमार। कहाँ के निवासी हैं? महावीर अखाड़ा। क्या हुआ है? देखिए, हमको कुछ पता नहीं, हम भी गाड़ी चलाते हैं। रात को हम 2 बजे 11 बजे रात को आए और सुबह हमको पता चला है कि यहाँ कोई भाई का आपको मार के बिक दिया है। क्या नाम है भाई का? नगेंद्र। कितने साल का होगा? 19-20 साल का होगा। कहाँ पे उसकी हत्या की गई? क्या है? अब कहाँ पे की गई थी? वहाँ पे तो बिगा गया था, रामपुर में। रामपुर में किसी से कोई पहले दुश्मनी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं।